हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। एंड आ चुका हूँ मैं एक माइनक्राफ्ट हार्डकोर का नया एपिसोड लेकर। सो लास्ट वीडियो में जो है हम लोगों ने डायमंड का आर्मर बना लिया था फुल। सो इसे आज की वीडियो हम लोग एन्चेंट करने वाले हैं, एक एन्चेंटिंग सेटअप बनाने वाले हैं 30 लेवल का, जिससे हम लोग को मैक्स मिल जाए एन्चेंटमेंट्स। सो अभी के लिए मुझे चाहिए एक एन्चेंटमेंट टेबल बनाने के लिए ऑब्सिडियन, सेकेंड मुझे चाहिए कुछ डायमंड्स, और वो है मेरे पास, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, और शुगर कैन जिससे मैं बुक शेल्फ वगैरह बना पाऊँ। सो गाइज, अभी तक आप लोगों ने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो, एंड शेयर ज़रूर करना अपने माइनक्राफ्ट वाले दोस्तों के साथ। सो लेट्स गो, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो गाइज, अभी के लिए जो है मुझे एक प्लेन बायोम ढूंढनी है, और उसी के लिए मैं सारा जो है सामान कलेक्ट कर लेता हूँ, और वहीं पर हमें प्लेन बायोम में अपना पूरा का पूरा सर्वाइवल सीरीज आगे बढ़ाएंगे। तो गाइज, आ चुका हूँ मैं इस प्लेन्स बायोम में, पास ही में थी बहुत ही ज़्यादा। सो यहाँ पर थोड़ी देर 5-10 मिनट लगे यहाँ पर आने के लिए। सो अभी जो है यहाँ पर जो है मैं अपना सेटअप लगा देता हूँ, सारी चेस्ट और फर्नेस वगैरह, बेड वगैरह, एंड फिर देखते हैं आगे क्या करना है। ओके गाइज, सो सेटअप तो हो चुका, अभी जो है शुगर केन की खोज में चलते हैं कहीं पर आसपास, अगर हम लोगों को शुगर केन मिल जाए तो अच्छा होगा, ताकि हम लोग पेपर बना पाए और उससे बुक्स वगैरह बना पाए, और इन फ्यूचर भी हम लोग शुगर केन का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा हम लोग ट्रेडिंग के लिए वगैरह। सो अभी ढूंढते देखते आसपास कहीं मिले शुगर केन, तो लेट्स गो। ओके गाइस, सो मैं जो है अपने घर से अराउंड 100 ब्लॉक दूर आ चुका हूँ, और अभी भी मुझे कोई भी शुगर केन वगैरह मिला नहीं है। सो पास में देखते हैं। सो अगर मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब होगी सो सॉरी, मेरा थोड़ा गला ख़राब है, मेरी तबीयत वगैरह ख़राब है, कोल्ड हुआ है थोड़ा। सो सह लो थोड़ा, क्या कर सकते हैं अभी। सो यहाँ पर शुगर कैन है तो सही, निकाल देते इसे, और भी है आगे, और आसपास देखते अगर और थोड़ा बहुत मिल जाए तो अच्छा होगा। यहाँ पर दिख तो नहीं रहा है, इस तरफ देखते हैं, आई थिंक सो होना चाहिए। ओके, फूड हमारा जा चुका है। ओके, इस तरफ तो नहीं है, आई थिंक मुझे वापस घर पर जाना पड़ेगा अभी के लिए इतना सही लेकर। सो लेट्स गो, चलते अभी घर पर। सो गाइज, वापस आ चुका हूँ मैं बहुत देर की मेहनत के बाद, और यहाँ पर जो है मैं एक छोटा सा एरिया कलेक्ट खोद लेता हूँ, सॉरी। सो यहाँ पर जो है मुझे शुगर कैन प्लांट करने में आसानी होगी, तब तक बढ़ जाएंगे, और थोड़ा वाटर वगैरह लेके आता हूँ ताकि मैं एक वाटर सोर्स बना पाऊँ, क्योंकि दूर दूर है ये वाटर की कलेक्शन, मतलब नदी वगैरह। सो यहाँ पर जो है वाटर का कलेक्शन कर लेते थोड़ा। लेट्स गो बॉयज़ एंड गर्ल्स, सो मैंने कर दिया है रात का काम। सो यहाँ पर कलेक्शन कर दिया, एक वाटर सोर्स बन चुका है, शुगर कैन भी वहाँ पर उगी रहे हैं। तब तक के लिए हम लोग ऑब्सिडियन की खोज करने चलते हैं, अभी के लिए तो ऑब्सिडियन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो चलते किसी केव में और खोदता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्सिडियन। और यहाँ पर केव भी मिल चुकी है हम लोगों को, सो यहीं से अंदर चलते हैं, और इसके अंदर जो है हम लोगों को ऑब्सिडियन मिल जाएंगे, आई थिंक सो। ओके गाइज, बहुत देर के बाद मैंने अराउंड 20 ब्लॉक्स के आसपास ही, मतलब 20 ब्लॉक्स ही होंगे जो है मैंने ऑब्सिडियन कलेक्ट करा है। सो यहाँ पर डायमंड वगैरह रख देते, सब कुछ रख देते, एंड वहाँ का जो एरिया है, सो मैं थोड़ा सा आई थिंक सोच रहा हूँ यहाँ से कुछ इस तरफ इतना, आई थिंक हाँ इतना ठीक होगा, यहाँ से मैं खोद लेता हूँ कुछ एरिया यहाँ से। सो यहाँ से इतना पूरा एक स्क्वायर खोद लेते हैं, ताकि हम लोग यहाँ पर अपना एन्चेंटमेंट सेटअप बना पाए। सो यहाँ पर सेटअप बनाने के लिए फटाफट से खोद लेते हैं, और फिर सेटअप बनाने का काम शुरू करते हैं। ओके गाइस, सो अभी के लिए मैंने एरिया क्लियर कर दिया है, और जो है अभी मुझे AFK करना पड़ेगा, बिकॉज शुगर कैन को उगने में और देर लगेगी। सो अभी के लिए AFK होता हूँ, और फिर सीधा मैं आप लोगों को शुगर कैन कलेक्ट करने के बाद ही मिलूँगा। लेट्स गो, चलते। सो गाइज, अभी के लिए मेरे पास बहुत सारे शुगर कैन आ चुके हैं, 2 स्टैक के आसपास, यहाँ पर दिखा दूँ आप लोगों को। ओके वेट, ये कैसे करते हैं यार, बहुत हार्ड है कंट्रोल ये फ्रंट साइड से। ओके, इसमें नहीं, ये नहीं, ये गलत, आई थिंक इसमें होंगे। ओके, ये देखो 2 स्टैक के आसपास है, अपने 2 स्टैक ही है पूरे। सो इसे पेपर बना देते हैं, और
लेदर भी है, मैंने कलेक्ट कर लिया है। तो अभी के लिए पेपर बनाना है, बट उससे पहले हम लोग को वुड वगैरह कलेक्ट करनी है। तो उसके लिए चलते हैं, वुड कलेक्ट करता हूँ और फिर सब कुछ बनाने के बाद ही मैं तुम लोगों से मिलूँगा। अब गाइस, सो मैंने जो है सारी बुक शेल्फ वगैरह बना चुका हूँ मैं, अभी के लिए इसे लगाते हैं। आई थिंक वो गलत लग गया, तो उसे सेटअप करता हूँ मैं एंड देखते हैं कैसा लगता है अपना सेटअप पूरा का पूरा 30 एन्चेंटमेंट लेवल वाला। लेट्स गो। ओके गाइस, यहाँ पर पूरा सेटअप हो चुका है। मैंने थोड़ी नीचे की ज़मीन भी कलेक्ट अलग बना दी है और यहाँ पर एन्चेंटमेंट देखते हैं हम लोगों के लिए कौन से आते हैं। सो यहाँ पर जो है मुझे मेरे पास लैपिस नहीं है और एक्सपी भी नहीं है। सो जाता हूँ, एक्सपी और लैपिस दोनों कलेक्ट करता हूँ। लेट्स गो लेट्स गो गाइज। अब हमारे पास सारे के सारे एक्सपीज और 33 एक्सपी आ चुके हैं और लैपिस भी है। सो आर्मर निकाल लेते हैं और टूल्स वगैरह भी एन्चेंट करने हैं। ओके गाइज, सो यहाँ पर जो है हम लोग को अनब्रेकिंग 2 मिल रहा है। सो आई थिंक मुझे ये लगा लेना चाहिए, बट अगर प्रोटेक्शन मिल जाता तो अच्छा ही होगा। सो देखते थोड़ी देर के ऐसे एक्सचेंज करता रहता हूँ और देखता हूँ क्या मुझे मिलता है। सो इसके ऊपर प्रोटेक्शन मिल चुका है, लगाते हैं फटाफट से आर्मर पर, सारे के सारे पीसेस पर, सारे के सारे जो एन्चेंटमेंट्स मिलेंगे हम लोगों को अच्छे अच्छे वाले, और फिर मैं मिलता हूँ तुम लोगों से। सो गाइज, हमारा एन्चेंटमेंट पूरा हो चुका है, आर्मर का फुल एन्चेंटेड हो चुके हैं हम लोग, मतलब आर्मर एन्चेंटेड हो चुका है। एंड टूल्स वगैरह भी देख सकते हैं हम लोगों को, अनब्रेकिंग, शार्पनेस, फॉर्चून, इफिशेंसी वाले, स्माइट वगैरह, ऐसे अच्छे अच्छे मिल चुके हैं एन्चेंटमेंट। सो आई होप सो वीडियो पसंद आया होगा आप लोगों को, और वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और शेयर भी कर दो अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन पीस आउट।